पतिदेव को ऑफिस और बच्चों के स्कूल भेज घर का काम निपटाकर नहा धोकर एक कप चाय लेकर लॉन में आ बैठी। इतने में पड़ोस की सुनीता आती हुई दिखाई दी। हम आ जाए भाभी, बोलती हुई वह गेट खोलकर अंदर आ गई। अरे आओ सुनीता। सुनीता को मालूम है कि इस वक्त मैं खाली होती हूँ, इसलिए जब भी कभी आती है इसी वक्त आती है। सुनीता तुम बैठो, मैं एक कप चाय बना लाऊं, कहते हुए उठी रही थी कि उसने हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोली भाभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। सुनीता बहुत बेचैन लग रही थी। मैं भी उसकी इस बेचैनी के कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे तो जब से वो विवाह के बाद आई है मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों ही अपने मन की बातें एक दूसरे से करती रहती हैं। पड़ोस में ही शर्मा आंटी रहती है, उनके बच्चे भी मुझसे काफ़ी घुले हुए हैं, खास तौर से छोटा वाला सोनू। जब सोनू का विवाह हुआ तो आंटी ने काजल डालने का रस्म मुझसे ही करवाई और बड़ी भाभी होने के नेक भी दिए। मुँह दिखाई की रस्म के दिन जब मैंने सुनीता के हाथ में अपना तोहफा रखा तो आंटी के कहने पर उसने मेरे पैर भी छुए। तब मैंने ही कहा था, आंटी प्लीज़ इसे मैं अपने पैर नहीं छूने दूंगी, इसे तो मैं गले लगाऊंगी। मुझे तो इसे देखकर अपनी छोटी बहन याद आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कहती तो वो मुझे भाभी थी पर मानती बड़ी बहन की तरह थी। शुरू शुरू में नए घर परिवार में सामंजस्य बैठाने में तकलीफ आती है। मैं भी गुजर चुकी थी इस दौर से, इसलिए मैं हर बात की सीख छोटी बहन के नाते से उसे देती। धीरे धीरे वह घर में घुल मिल गई, हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। बड़ी बहुएं अपने अपने घर जा चुकी थी क्योंकि दोनों बड़े भैया बाहर नौकरी करते थे। सोनू माँ के साथ रहता था इसलिए सुनीता को ही घर संभालना था। सुनीता इस बीच प्यारी सी बेटी की माँ भी बन गई। अब तो वह घर परिवार में व्यस्त हो गई, फिर भी समय निकालकर कभी कभी आ जाती। भाभी आज हम काफ़ी तनाव में हैं पर कैसे कहे सारी बातें समझ नहीं आ रहा, आप भी न जाने क्या सोचेंगी सुनकर हमारे बारे में। अरे पगली ऐसी भी क्या बात हो गई, क्या सोनू से लड़ाई हो गई या आंटी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी आप कसम खाइए किसी से कुछ नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि भाई साहब को भी नहीं। लो तुम्हारी कसम खाती हूँ, अब तो बोलो ऐसी क्या बात हो गई। मेरा यह कहना था कि उसका रोना शुरू हो गया, मैं सतबद्ध रह गई। ऐसी क्या बात हो गई, अभी तक कभी मैंने उसे इतना बेहाल नहीं देखा था। मेरे चुप कराने पर सांत्वना देने पर उसने जो कुछ बताया चुपचाप सुनती रही मैं। भाभी बात हमारी शादी से पहले की है, हम गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मम्मी के साथ अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे। हम भाई बहन सारे मामाओं के बच्चे सब हम उम्र होने के कारण आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। हमारे छोटे मामा जी का बेटा सूरज उम्र में हमसे साल भर बड़ा है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। शुरू शुरू में हमने विशेष ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ क्यों है, लेकिन बाद में आभास हुआ कि उसके मन में हमारे लिए कुछ और ही भावना थी। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक कि हम भी उसके प्रति आकर्षित होते चले गए। पिक्चर जाना, घूमना फिरना, घंटों बातें करना, ये सब हमें और करीब लाता गया। उम्र के उस मोड़ पर भावनाओं की रौ में बहकर हमने ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमारी नानी कभी कभी हमारी मम्मी से कहती भी थी कि इस तरह इतना ज़्यादा मेल जोल ठीक नहीं। तब मम्मी कहती, माँ आप अब पुराने ज़माने की हो गई हो, आजकल के बच्चे अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ दोस्त सा व्यवहार करते हैं, आपकी आशंका निर्मूल है। इस तरह नानी भी चुप हो जाती। काश उस समय नानी की बातों पर मम्मी ने ध्यान दिया होता। उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जो रिश्ते बने उनकी नैतिकता का आभास हमें तब हुआ जब सूरज हमारे लौट जाने पर भी हमें पत्र लिखता, घंटों फोन पर अपनी भावनाओं का इजहार करता। हमारी शादी पक्की हो जाने पर उसके आक्रोश भरे पत्र आने लगे। हालांकि उसकी शादी हमसे पहले हो गई थी और दो बच्चों का पिता भी है, पर हमारी तरफ उसका आकर्षण बना रहा। हमने तो उसे पत्र लिखने फ़ोन करने के लिए मना किया तो वो हमें ही दोषी ठहराने लगा कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाभी हम मानते हैं कि गलती हमारी भी थी, जो हमने उसको अपनी ओर आकर्षित होते देखकर भी खुद को सचेत होने की बजाय उसके आकर्षण में बह गए। हद तो यह है भाभी कि वो अब हमारे यहाँ भी फ़ोन करने लगा है, हमने उसे फ़ोन करने से मना किया तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब तो हमारी हालत यह हो गई कि अपने किए पर गलानी तो होती है, साथ ही यह डर भी लगा रहता है कि सोनू और मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा। भाभी अब तो हम तो शर्म से डूब मर ही जाएंगे, सोनू इतने अच्छे हैं कि हमने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, यह सोचकर ही हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब कल ही की बात है, सूरज का रात को फ़ोन आया था, फिर वही रटी रटाई बातें कर रहा था। इस बार हमने उसे बुरी तरह डांट दिया कि क्या तुमको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, क्या अब
यह तुम्हें शोभा देता है, आगे फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कहीं कोई नहीं होगा। इस पर वो बेशर्मी से बोला, जरूर फ़ोन करूँगा, एक बार नहीं बार बार करूँगा, बोलो क्या बिगाड़ लोगी मेरा। यह तो गनीमत थी कि भाभी उस वक्त ये ऑफिस से लौटे नहीं थे और मम्मी जी भी सो चुकी थी। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर वह से सख्त सख कर रो पड़ी, मैंने भी दुनिया देखी है, इतना लिखती पढ़ती हूँ। उसकी मनोव्यथा सुनकर समस्या का क्या निदान हो यह सोचने लग गई। परेशान तो मैं भी हो उठी थी, नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी घटना हो जिससे दो परिवार उजरे। सुनीता तो रो रो कर बेहाल हो रही थी और मैं असमंजस की स्थिति में थी। उसे दिलासा दिया कर दी कि कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा, क्योंकि गलती सुनीता की भी थी, इसलिए मामला ज़्यादा उलझ गया। सुनीता तो पूरी बात बताकर चली गई, पर मेरा मन बहुत असहज हो उठा। सोचती रही कि इस समस्या का क्या निराकरण हो, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कहते हैं ना कि भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है, तो एक ना एक दरवाज़ा तो खुला छोड़ ही देता है। हर भूल का सुधारने के लिए रास्ता भी वही सुझाता है। हुआ यूँ कि ऑफिस के काम से सोनू के एक हफ्ते के लिए टूर पर जाना था, पर सिर्फ सोनू के जाने से रास्ता निकल रहा था। इसी बीच खुदा के करम से शर्मा आंटी के सत्संग की सहेलियाँ वैष्णो देवी जा रही थी। आंटी की भी जाने की इच्छा थी, पर सुनीता अकेली रह जाएगी यह सोचकर वह प्रोग्राम नहीं बना रही थी। तब मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने आंटी को दिलासा दिया कि सुनीता की देखरेख मैं कर लूँगी। आंटी को मुझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने निश्चिंत होकर प्रोग्राम बना लिया। सोनू और आंटी के जाने के बाद रात को सोने के लिए मैं उसके घर जाने लगी। पहली रात शांति से गुजरी। सूरज का फोन आने पर क्या करना है यह हमने पहले ही सोच लिया था, भगवान ने हमारी जल्दी सुन ली। दूसरी रात सूरज का फ़ोन आया तो सुनीता ने ही फ़ोन उठाया, हालचाल पूछने के बाद कहा, सूरज मम्मी जी यानी मेरी सासू जी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। इस पर वो हकलाते हुए बोला, क्यों आंटी जी को मुझसे क्या बात करनी है। वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैंने फ़ोन ले लिया। मेरी आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया। मैंने कहा, बेटा मैं सुनीता की सास ही नहीं उसकी माँ भी हूँ, और वह मेरी बहू नहीं बेटी है। उसने तुम्हारे बारे में मुझसे सब कुछ बता दिया है, अब जरा अपनी पत्नी को फ़ोन देना, उसको भी तुम्हारे जलील हरकतों के बारे में बता दूँ। इस पर वह माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, आंटी मैं कसम खाता हूँ आगे से सुनीता को परेशान नहीं करूँगा, मेरी पत्नी को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही वह बहुत सख्ती स्वभाव की है, मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। प्लीज़ आंटी ऐसा मत करना प्लीज़, मैंने धमकाते हुए कहा। आगे कभी तुमने सुनीता को तंग करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैंने फ़ोन रख दिया। सुनीता सारी बातें सुन रही थी, अपनी समस्या यूँ समाधान होते देख खुशी के मारे रो पड़ी और मेरे गले लग गई। तब मैंने उसको प्यार से कहा, पगली दुख में भी रोती है और खुशी में भी, जब तक ये तेरी बड़ी बहन कम भाभी तेरे साथ है, किसी दुख की छाया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे यह तो अब जिंदगी भर तुमसे डरता रहेगा, ऐसे लोगों से निपटने का तरीका आना चाहिए। जिंदगी में भूल किसी से नहीं होती, पर अपनी भूल का एहसास समय रहते ही कर लो तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, सुनीता बार बार मेरा शुक्रिया अदा करती रही। इतने दिनों के मानसिक तनाव के बाद वह अब काफ़ी सुकून का अनुभव कर रही थी। मम्मी जी और सोनू के लौट आने के दिन करीब आ रहे थे। मुझे भी खुशी थी कि समय पर ही सारी समस्याओं का अंत हो गया। इस घटना के बाद से सुनीता और मैं और करीब आ गए। आज सुनीता दो प्यारे बच्चों की माँ है, खुशहाल गृहस्थी व्यतीत कर रही है। सुनीता की सुखी गृहस्थी देखकर संतोष होता है। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।